नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश एमएस कंप्यूटर एजुकेशन से आप सभी का स्वागत करता हूँ। जैसा कि मैंने कल एक वीडियो बनाया था CCC कोर्स में, जो चैप्टर नंबर 1 है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, उसके ऊपर वो चैप्टर जो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर है वो अधूरा रह गया था या फिर हमने उसे कंप्लीट नहीं किया था, तो उसी का आगे का पार्ट मैं अभी यहाँ से कंटिन्यू कर रहा हूँ। देन जैसा कि अभी हम लोगों ने कल देखा कि कंप्यूटर हम लोगों को क्यों यूज़फुल है या फिर कंप्यूटर हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, तो आगे हम लोग कंप्यूटर के कुछ पार्ट्स देखेंगे, हार्डवेयर पार्ट्स देखेंगे, इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं उनके बारे में जानेंगे, और कंप्यूटर को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है कल मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। फिर से मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि कंप्यूटर जो है वो एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, ऐसे 3 पार्ट्स में उनको डिवाइड किया गया है। तो जिसमें से एनालॉग कंप्यूटर कल हम लोग ने कवर किया था, फिजिकल फ्रिक्वेंसीज मेजर करने के लिए एनालॉग कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आज हम लोग डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर की तरफ मूव करेंगे। ओके, तो डिजिटल कंप्यूटर क्या है? डिजिटल कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर है जो इलेक्ट्रिसिटी, करंट या फिर डिजिटल इनपुट्स का यूज़ करके वर्क करते हैं या फिर डिजिटल सिग्नल्स के थ्रू वर्क करते हैं। इनमें क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर होता है, इनके अंदर इनपुट डिवाइसेस होती हैं, आउटपुट डिवाइसेस होती हैं और कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जो इनको डिजिटल बनाते हैं और डिजिटल सिग्नल्स के ऊपर वर्क करते हैं ये। ओके, तो डिजिटल कंप्यूटर्स को फर्दर क्लासिफाइड किया गया उनके साइजेस के हिसाब से। तो उनके जो साइजेस हैं वो उनके साइज के हिसाब से, उनके वर्क के हिसाब से। तो फर्स्ट जो है वो है माइक्रो कंप्यूटर, सेकेंड आपका मिनी कंप्यूटर दिया हुआ है यहाँ पे, और थर्ड आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर, एंड लास्ट एंड फोर्थ इज सुपर कंप्यूटर। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं माइक्रो कंप्यूटर से। तो माइक्रो कंप्यूटर्स क्या है, जो नॉर्मली पीसी हम लोग घर में यूज़ करते हैं वही आपके माइक्रो कंप्यूटर्स हैं। तो जो भी हम लोग कंप्यूटर यूज़ करते हैं पीसीज ऑफिस वगैरह में, या फिर आपने जो भी कंप्यूटर्स देखे होंगे, मोस्ट ऑफ जो कंप्यूटर होते हैं वो आपके ऑफिस वगैरह में जो यूज़ किए जाते हैं या फिर घर पर जो हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं वो आपके माइक्रो कंप्यूटर के कैटेगरी में आते हैं। ओके, देन इसमें ध्यान रखिए कि माइक्रो कंप्यूटर्स में CPU होता है, माउस होते हैं, कीबोर्ड्स होते हैं। ओके, देन यहाँ पे ध्यान रखना है कि माइक्रो कंप्यूटर्स को भी फर्दर डिवाइड किया गया है, फॉर एग्जांपल डेस्कटॉप कंप्यूटर या पर्सनल कंप्यूटर में। देन नेक्स्ट आपका नोटबुक कंप्यूटर, नेटबुक कंप्यूटर, टैबलेट्स, हैंडलेट कंप्यूटर और स्मार्टफोन्स, ऐसे फर्दर उनको क्लासीफाइड किया गया है। तो डेस्कटॉप कंप्यूटर जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर बेसिक जो हम लोग घरों पे या फिर कंप्यूटर क्लासेस में या फिर ऑफिसेस में हम देखते हैं, तो इस प्रकार से दिखाई पड़ता है डेस्कटॉप कंप्यूटर हम लोगों का। इसको हम लोग PC बोलते हैं, PC का फुल फॉर्म होता है पर्सनल कंप्यूटर, याद रखिएगा PC का फुल फॉर्म क्या होता है, पर्सनल कंप्यूटर। PC का फुल फॉर्म होता है पर्सनल कंप्यूटर। इसके एग्जाम्पल्स में आप HP के कंप्यूटर, सोनी के कंप्यूटर, लेनोवो के, डेल के, माइक्रोसॉफ्ट के, एप्पल के, जो भी आप कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं वो सब माइक्रो कंप्यूटर में यूज़ माइक्रो कंप्यूटर के कैटेगरी में आते हैं। क्लियर, ये घरों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, छोटे मोटे जो बिजनेस होते हैं उनके लिए या फिर कुछ छोटे ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहाँ पे इनका इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग नोटबुक। नोटबुक कंप्यूटर्स क्या होते हैं, लैपटॉप नोटबुक कंप्यूटर या लैपटॉप नोटबुक कंप्यूटर और लैपटॉप। ओके, तो जो हम लैपटॉप यूज़ करते हैं वो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, नोटबुक कंप्यूटर कहते हैं। इनका बेनिफिट क्या होता है कि आप इनको कहीं पर भी कैरी कर सकते हैं, अपने साथ ले जा सकते हैं कहीं पे भी। इसमें चार्जिंग फैसिलिटी होती है, मतलब रिचार्जेबल होते हैं ये, क्या कर सकते हैं आप इनको रिचार्ज कर सकते हैं, मतलब बिना किसी कनेक्शन के आप इनको रन भी कर सकते हैं। और जैसे इनका बैटरी लो होता है, इनमें बैटरी सिस्टम होता है, बैटरी लो हो तो आप इसको दोबारा से चार्ज भी कर सकते हैं। ओके, और ये ईजी टू कैरी होता है, मतलब आप इन्हें अपने बैग में रख के भी कैरी कर सकते हैं। ओके, मतलब लाइट वेटेड होता है। ओके, तो ये इनका खासियत है नोटबुक कंप्यूटर्स का या फिर लैपटॉप का हम कह सकते हैं। बाकी वर्क ये कंप्यूटर की तरह करता है, जैसे कीबोर्ड कंप्यूटर में होता है वैसे इसमें भी कीबोर्ड होते हैं, जैसे माउस होता है वैसे इसमें भी टच पैड माउस होता है, इसके अंदर भी, लैपटॉप के अंदर भी। ओके, नेक्स्ट आपका नेटबुक आता है। नेटबुक में हम लोग क्या करते हैं, जो मोस्ट ऑफ चीज़ें, जैसे कि हमें किसी कोई एप्लीकेशन क्रिएट करना हो गया, वेब बेस्ड एप्लीकेशन बनाना हुआ, नोटबुक हम लोग को क्रिएट करना हुआ, म्यूजिक्स हम लोग को कुछ एडिट करना हुआ या फिर हम लोग को वीडियोज़ कुछ एडिट करना हुआ, ईमेल्स वगैरह यूज़ करना है, वेब सर्फिंग करना है, इंस्टेंट मैसेजिंग, मोस्ट ऑफ हम लोग को इंटरनेट से रिलेटेड जो भी वर्क करने हैं तो हम लोग किस में करते हैं, नेटबुक में करते हैं। नोटबुक और नेटबुक में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस इसमें हम इंटरनेट से रिलेटेड वर्क ज़्यादा करते हैं
और नोटबुक में हम लोग कंप्यूटराइज वर्क करते हैं, मतलब विदाउट इंटरनेट भी हम लोग उसमें वर्क कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आप आते हैं टैबलेट। टैबलेट आप लोगों को सभी आप जानते होंगे टैबलेट क्या है। टैबलेट आपका जो स्मार्टफोन होता है उससे ही थोड़ा सा बड़ा होता है, और उसमें स्क्रीन लार्जर स्क्रीन मिल जाती है आपको, ईजी कैरेबल होता है। सेम यहाँ पे भी आपको थिंग मिलती है कि चार्जेबल होते हैं, ये लाइट वेटेड होते हैं, आप इनको कहीं पे भी कैरी कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, आपको कहीं पे कुछ प्रेजेंट करना था आप इजीली उसको यूज़ कर सकते हैं। देन नेक्स्ट आपका आ जाता है यहाँ पे हैंडलेट कंप्यूटर्स और पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, इट मीन्स PDA। ओके, तो यहाँ पे एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, PDA का फुल फॉर्म क्या आएगा, PDA का फुल फॉर्म क्या आएगा, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। ओके, ये क्या होता है, स्मॉल होता है, ये आपके हाथ में आ जाए इतना बड़ा होता है, इसको हम लोग पाम टॉप कंप्यूटर भी कहते हैं। ओके, इसको हम लोग जो इनपुट प्रोवाइड करते हैं वो स्टाइलस के थ्रू देते हैं। स्टाइलस के थ्रू क्या करते हैं, हम लोग इनपुट प्रोवाइड करते हैं, इनमें QWERTY कीपैड कीबोर्ड भी पाया जाता है, इसके थ्रू आप टाइपिंग वगैरह आपकी आसान हो जाती है। इनमें नेट कनेक्शन भी होते हैं, आप इंटरनेट भी यूज़ कर सकते हैं। देन वायरलेस कनेक्शन भी होते हैं, वाईफाई या फिर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी होती है, इनके थ्रू आप इनको ईजिली यूज़ कर सकते हैं। देन नेक्स्ट आपका स्मार्टफोन्स, मेरे ख्याल से इसके बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे, मोस्ट ऑफ लोग स्मार्टफोन का यूज़ करते हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद आप लोग के पास स्मार्टफोन या फिर लैपटॉप या फिर कंप्यूटर होगा जिसमें आप इस चीज़ को देख रहे हैं। ओके, या फिर इस वीडियो को आप देख रहे हैं। तो स्मार्टफोन क्या होता है आपका, इसका जो स्क्रीन होता है वो टचेबल स्क्रीन होती है, इसमें आपकी वाईफाई कनेक्टिविटी होती है, आप इसके अंदर वेब ब्राउज कर सकते हैं। देन आप इसमें क्या कर सकते हैं, बहुत सारी ऐसे एप्लीकेशंस रन कर सकते हैं जिनका आप डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशंस आप यूज़ कर सकते हैं, इनके अंदर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जाता है, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम आपको मिल जाता है, विंडोज़ के भी कुछ मोबाइल आते हैं और कुछ आपके iOS के भी मोबाइल आते हैं। क्लियर, तो ये आपके स्मार्टफोन्स हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे कुछ इमेजेस देख लेंगे। तो जैसे मैंने आपको नेटबुक कहा था, नेटबुक या फिर लैपटॉप, ओके, नोटबुक या फिर लैपटॉप आपको यहाँ पे मिल जा रहा है। ओके, आप यहाँ पे देख पा रहे हो उस इमेज को, नेटबुक जहाँ पे हम लोग मोस्ट ऑफ इंटरनेट के वर्क करते हैं। देन टैबलेट आपका, देन आपके PDAs, ओके, PDA पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट या फिर हैंडलेट कंप्यूटर या फिर हम लोग पाम टॉप कंप्यूटर भी इसको कहते हैं। देन नेक्स्ट आपका स्मार्टफोन यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, जिससे आप सभी के पास स्मार्टफोन है, सस्ते से लेके महंगे तक स्मार्टफोन आते हैं, अलग अलग कंपनी के अलग अलग प्रकार के। ओके, नेक्स्ट आगे मूव करते हैं हम लोग, तो जो आगे का हम लोग का मेन है वो है आपका मिनी कंप्यूटर। मतलब अभी हमने माइक्रो कंप्यूटर कवर किया, अब नेक्स्ट हम कौन सा करेंगे, मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर का जैसे आप यहाँ पे इमेज में देख पा रहे होंगे, मिनी कंप्यूटर मोस्ट ऑफ यूज़ किया जाता है डिजाइनिंग्स वगैरह के लिए, जो डिज़ाइनर्स होते हैं वो इनका यूज़ करते हैं। इनकी स्पीड कैपेसिटी ज़्यादा होती है, ये स्पीडली वर्क कर सकते हैं, और ये क्या होते हैं आपके मोर पावरफुल होते हैं किसके मुकाबले में, आपके माइक्रो कंप्यूटर के, और लेस पावरफुल होते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर के मुकाबले। ओके, तो इनका मोस्ट ऑफ यूज़ डिज़ाइनिंग या फिर डिज़ाइनिंग फील्ड में ही किया जाता है। ओके, देन नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर ये ऐसा कंप्यूटर है जो मोस्ट ऑफ बड़ी बड़ी कंपनियों द्वारा या फिर बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा यूज़ किया जाता है, डेटा मैनेजमेंट के लिए या फिर डेटा स्टोरिंग के लिए या फिर डेटा हैंडलिंग के लिए। जैसे कि आप जानते हैं कि आज के डेट में हमें डेटा मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल जो भी चीज़ें हो रही हैं सब ऑनलाइन हो रही हैं। फॉर एग्जांपल, आप किसी बैंक में जाते हैं, बैंक में जाने के बाद आपको वहाँ पे, आप अकेले ऐसे कस्टमर नहीं है जो उस बैंक को यूज़ करे या फिर उस बैंक में आपका खाता है, वहाँ पे अनेकों कस्टमर हैं। उन कस्टमर का डिटेल रखना, डेली वो कितना ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, डेली उन्होंने किस ATM से ट्रांजेक्शन किया हुआ है, और भी जो चीज़ें हैं कस्टमर से रिलेटेड जो डेटाबेस वो क्रिएट करते हैं, तो वैसे डेटाबेस को हैंडल करना इस मेन फ्रेम कंप्यूटर के अंदर हैंडल किया जाता है। क्लियर है, तो इसका आपको देखिए एग्जांपल दिख रहा है IBM लिनक्स ऑन करके, ये आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर। यहाँ पे मैंने इमेज भी इसकी पुट कर दी, आपको इमेज भी यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। ओके, तो ये मेन फ्रेम कंप्यूटर की इमेजेस है। नेक्स्ट आपके आ जाते हैं इसके अंदर सुपर कंप्यूटर। ओके, सुपर कंप्यूटर ये जो है ये मोस्ट ऑफ साइंटिस्ट, मिलिट्री अपने जो भी डिफेंस में यूज़ किया जाता है इसको, देन साइंटिस्ट अपने रिसर्च के लिए यूज़ करते हैं, देन और भी जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं जो अंडर गवर्नमेंट के अंडर वर्क करते हैं, उन्हीं वही लोग इस कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि सुपर कंप्यूटर मेरे ख्याल से एक पूरे कमरे में फैला हुआ है। क्लियर, और इनकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है अदर कंप्यूटर्स के मुकाबले। तो यहाँ पे मैं ज़्यादा ना एक्सप्लेन करते हुए आपको सीधा लेके आता हूँ सुपर कंप्यूटर्स पे। तो हमारे जो इंडिया में है सुपर कंप्यूटर, उसका नाम क्या है, परम इसका नाम है। ओके, परम सुपर कंप्यूटर इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर है।
ओके, तो इसे किसने खोजा था, यहाँ पे आपको वो भी नाम याद रखना है, सेंटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, सी टैक करके एक कंपनी है इन पुणे, उन्होंने इसके इजाद की थी या फिर उन्होंने इसको खोजा था। क्लियर है? नेक्स्ट आगे मूव करते हैं हम लोग, डिजिटल कंप्यूटर्स में ही आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो मिक्सअप होते हैं किसके, डिजिटल कंप्यूटर एज वेल एज एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर का मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि फिजिकल थिंग्स को मेजर करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल एयर प्रेशर मेजर करना हुआ, ब्लड प्रेशर मेजर करना हुआ, मेडिकल थिंग्स में अगर ब्लड प्रेशर मेजर करना हुआ, अगर समझ लीजिए कहीं पे भूकंप आया हुआ, उस भूकंप की तीव्रता नापनी हो या फिर उसकी फ्रिक्वेंसी मेजर करनी हो, तो हम लोग क्या करते हैं, एनालॉग कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। बट हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है, जिसके अंदर आप डिजिटल कंप्यूटर एज वेल एज एनालॉग कंप्यूटर की तरह वर्क कर सके, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर्स कहते हैं। यहाँ पे कुछ इमेजेस मैंने पुट कर दिए हैं, तो आप उनको देख कर भी समझ सकते हैं, मेडिकल फील्ड में या फिर अलग अलग फील्ड्स में आप इनका अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग अपने कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब कंप्यूटर हम लोग क्यों यूज़ करते हैं। तो इसका सबसे बड़ा आप एग्जाम्पल दे सकते हैं कि इसमें स्पीड होती है। अगर कोई काम मैं नॉर्मल मैनुअली करता हूँ तो उसमें स्पीड मुझे कम मिलती है। अगर कोई काम, कोई समझ लीजिए मुझे कोई चीज़ लिखने के लिए दे दी गई है, मैं अगर उसे बुक में अपने हाथ से लिखूंगा तो ऑब्वियस है वो टाइम कंज्यूम करेगा, प्लस जो चीज़ दोबारा दोबारा लिखी हुई है, फॉर एग्जाम्पल कोई लाइन है वो दोबारा से लिखी हुई है, कोई नाम है वो दोबारा से लिखा हुआ है, तो मुझे हैंड वर्क में दोबारा से उस नाम को लिखना पड़ेगा। बट कंप्यूटर में हमारे पास ऑप्शन होता है कॉपी और पेस्ट का, तो हम उसे कॉपी और पेस्ट करके भी आगे मूव कर सकते हैं, तो वहाँ पे हम लोग का टाइम सेव होता है और वो चीज़ कंप्यूटर क्या करती है, स्पीडली डन कर देते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स आपका आ जाएगा स्पीड, देन नेक्स्ट आपका एक्यूरेसी आएगा। एक्यूरेसी क्यों, क्योंकि अगर आपने कंप्यूटर को सही इनपुट दिया हुआ है तो आपको उसी प्रकार से वो सही आउटपुट भी देगा। कंप्यूटर में एक्यूरेसी 100% की होती है, बट ह्यूमंस में 100% की होती है क्या, नहीं हो सकती, क्योंकि हम ह्यूमंस है, कभी कुछ ना कुछ गलती हमसे हो सकती है। ओके, द नेक्स्ट डिजीनेस। डिजीनेस मतलब कंप्यूटर को कभी भी थकान महसूस नहीं होता, कंप्यूटर को कभी भी थकान नहीं महसूस होती। थकान मतलब कंप्यूटर को आप दिन भर यूज़ कीजिए, उससे आप जितना चाहे उतना उसमें वर्क कीजिए, बट वो कभी थकता नहीं है। बट इंसान का कुछ कैपेसिटी है, 8 आवर्स वर्क कर सकता है, 9 आवर्स वर्क कर सकता है, बट उसके बाद उसका धीरे धीरे मेंटल प्रेशर डाउन होता चला जाएगा या फिर वो मेंटली थोड़ा सा डिस्टर्ब होता चला जाएगा, फिर वो सोचेगा कब छुट्टी मिले, बट कंप्यूटर ऐसा कभी नहीं सोचता, उसमें डिजीनेस या थकावट जैसी चीज़ें नहीं होती। वर्सलाइटी जो ये है, इसमें क्या होता है कि कंप्यूटर अपने जो भी वर्क कर रहा है उसमें क्या होता है, वो चेंज कर सकता है इंस्टेंटली, किसी भी चीज़ में वो कन्वर्ट हो सकता है। अगर आप समझ लीजिए वर्ड ओपन किया आपने, आप डायरेक्टली एक्सेल में जा सकते हैं, देन पावर पॉइंट में मूव कर सकते हैं, या फिर अदर कोई सॉफ्टवेयर आपको आपने ओपन किया हुआ है वो आप वहाँ पे उसको ओपन कर सकते हैं। मतलब क्या होता है, ये हर एक फील्ड में या फिर हर एक सिचुएशन में अलग अलग जगहों पे अलग अलग एक ही समय पे काम कर सकता है। देन रिलायबिलिटी इसके अंदर मिल जाती है कि ये रिलायबल होता है, आप इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं। ऑटोमेशन मिलता है इसके अंदर, मेमोरी होती है मेमोरी सेव करने के लिए, आपका डेटा स्टोर करने के लिए और डेटा को स्पीडली वर्क कराने के लिए भी इसके अंदर मेमोरी होती है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है कंप्यूटर के जो आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, वो कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद रखने हैं। कुछ कंप्यूटर क्यों हम यूज़ करते हैं वो भी हमें पता होना चाहिए। देन नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर में। तो पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर में देखिए, यहाँ पे आपका कंप्यूटर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक है कंप्यूटर हार्डवेयर, देन सेकेंड है आपका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर में आपको देखिए यहाँ पे बहुत सारे इमेजेस दिखाई पड़ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे देखिए सीपीयू दिखाई पड़ रहा है। ओके, सीपीयू दिखाई पड़ रहा है। अगर मैं बेसिकली कोई कंप्यूटर दिखाने जाऊँ तो बैक साइड आपको लेके जाता हूँ, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। ओके, तो ये जो आपको बेसिक कंप्यूटर यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, तो कंप्यूटर हार्डवेयर मतलब आपके जो कंप्यूटर के हार्ड पार्ट है या फिर भौतिक पार्ट हम लोग उसको बोल सकते हैं हिंदी में अगर हम कहें जाएंगे तो। भौतिक उपकरणों को हम लोग क्या कहते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर कहते हैं। ओके, और इंग्लिश में कहेंगे तो द फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड कंप्यूटर हार्डवेयर। ओके, तो ये जो आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, ये जो स्क्रीन दिखाई पड़ रही है ये भी कंप्यूटर हार्डवेयर है। तो ये जो सीपीयू आपको दिखाई पड़ रहा है ये भी कंप्यूटर हार्डवेयर है। तो कीबोर्ड भी आपका कंप्यूटर हार्डवेयर है, माउस भी कंप्यूटर हार्डवेयर है, जो माइक रखे हुए हैं सॉरी स्पीकर रखे हुए हैं वो भी आपके कंप्यूटर हार्डवेयर ही काउंट होंगे। क्लियर? तो ये कंप्यूटर हार्डवेयर है। कुछ इंटरनल कंप्यूटर हार्डवेयर है उनके बारे में मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहूँगा। ये देखिए यहाँ पे सीपीयू के कुछ इंटरनल हार्डवेयर आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। ओके, तो सीपीयू में जो इंटरनल हार्डवेयर होता है वो होता है सिस्टम फैन। सिस्टम फैन आपके सीपीयू में अरेंज किया होता है, यहाँ पे देख ये शायद आप देख पा रहे होंगे। ओके, देन हीट सिंक। हीट सिंक क्या होता है, आपका जो प्रोसेसर होता है
या फिर जो आपके प्रोसेसर पे जो हीट कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है, या फिर आपके सीपीयू में जो हीट को कंट्रोल करने के लिए जो फैन यूज़ किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, हीटसिंक फैन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट आपका हार्ड ड्राइव है, डेटा स्टोर करने के लिए हम लोग हार्ड ड्राइव का यूज़ करते हैं। ओके, आपका ऑप्टिकल ड्राइव है, ऑप्टिकल ड्राइव इट मीन्स क्या कि आप सीडी अगर आपको चलाना है, डीवीडी आपको चलाना है, तो आपको वहाँ पे ऑप्टिकल ड्राइव मिल जाते हैं। देन रैम है आपके प्राइमरी मेमोरी, हम लोग इनको कहते हैं रैम को, रैम आपके सीपीयू में प्रेजेंट होता है। देन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आपका सीपीयू, जिसकी वजह से क्या होता है कंप्यूटर वर्क करता है, या फिर ब्रेन ऑफ कंप्यूटर हम लोग इसको कह सकते हैं। देन नेक्स्ट आपका मदरबोर्ड फॉर द कनेक्टिविटी, आप कंप्यूटर में कोई भी हार्डवेयर अटैच करते हैं तो फर्स्ट आप उसको मदरबोर्ड में ही अटैच करते हैं, देन वो अदर पार्ट से जाके कनेक्ट होता है। क्लियर, तो कोई भी अगर चीज़, कोई भी हार्डवेयर अगर आपको कंप्यूटर में अटैच करना है तो आपको मदरबोर्ड से ही उसको अटैच करना पड़ता है। तो नेक्स्ट आपको यहाँ पे मिल जा रहा है पावर सप्लाई, जैसे कि अभी हम लोगों को वॉक करने के लिए या फिर कोई काम करने के लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो हम फूड के थ्रू उसको गेन करते हैं। बट कंप्यूटर को एनर्जी कहाँ से मिलेगी, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी करंट। बट क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी करंट में हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी करंट होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कंप्यूटर डायरेक्टली उसको गेन नहीं कर सकता। तो कंप्यूटर में एक पार्ट होता है पावर सप्लाई, एसएमपीएस भी हम लोग बोलते हैं, स्विच मोड पावर सप्लाई भी हम लोग उसको कह सकते हैं, एसएमपीएस या फिर पावर सप्लाई भी हम लोग कहते हैं। तो पावर सप्लाई का मेन फंक्शन क्या होता है कि पावर सप्लाई क्या करता है, हाईएस्ट करंट को या फिर हाईएस्ट एनर्जी को लोवेस्ट एनर्जी में कन्वर्ट करता है, या फिर हाईएस्ट करंट को लोवेस्ट करंट में कन्वर्ट करके कंप्यूटर तक पहुँचाने का काम करता है, जिसकी वजह से पूरा कंप्यूटर में एनर्जी मिलती है। ओके, तो ये कुछ पार्ट्स थे सीपीयू के। देन मदरबोर्ड के कुछ पार्ट है, मदरबोर्ड क्या होता है सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका, मदरबोर्ड कनेक्टिविटी में सबसे इंपॉर्टेंट है, मतलब कंप्यूटर में कोई भी हार्डवेयर अगर जुड़ा हुआ है तो विद द हेल्प ऑफ मदरबोर्ड, मदरबोर्ड के ही थ्रू वो जुड़ा हुआ है कंप्यूटर के अंदर। अगर मदरबोर्ड में वो नहीं जुड़ा होगा तो वर्क ही नहीं करेगा, क्योंकि आपका मदरबोर्ड से ही सभी हार्डवेयर को कनेक्शन मिलता है। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर रैम देखा था, रैम भी आपके मदरबोर्ड में ही जुड़ा हुआ होता है, सीपीयू भी आपके मदरबोर्ड में, हीट सिंक फैन भी आपके मदरबोर्ड में ही जुड़ा होता है, पावर सप्लाई से तो पावर सप्लाई होती है तो वो मदरबोर्ड में कनेक्ट होना उसका पॉसिबल ही है। देन डीवीडी भी आपके मदरबोर्ड में ही जुड़े होते हैं, जैसे हमने यहाँ पे ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव के बारे में देख लिया था, हार्ड डिस्क भी आपका मदरबोर्ड से जुड़ा होता है, वीडियो कार्ड या फिर लैन कार्ड या जो एक्स्ट्रा कार्ड्स होते हैं वो भी आपके, या फिर जो भी कंप्यूटर में अदर एक्स्ट्रा डिवाइसेज या फिर जो भी डिवाइसेज जुड़ी होती है विद द हेल्प ऑफ मदरबोर्ड। ओके, तो ये बेसिक था आपका सीपीयू के इनसाइड के पार्ट्स से, मेरे ख्याल से ये पार्ट्स आपको कोई जल्दी एक्सप्लेन नहीं करेगा, तो आपको इन पार्ट्स को याद रखना है, ध्यान में रखना है। प्रोसेसर आपका मेन फंक्शनिंग पार्ट होता है, जो आपको प्रोसेसर यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है वो क्या होता है आपका मेन फंक्शनिंग पार्ट होता है, उसी की वजह से आपका कंप्यूटर वर्क करता है, फिर जो भी चीज़ प्रोसेस होती है विद द हेल्प ऑफ प्रोसेसर ही होता है। ओके, देन रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, ओके रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी भी हम लोग इसे कहते हैं, आगे हम लोग इसके बारे में डेप्थ में इन्फॉर्मेशन लेंगे मेमोरी सेक्शंस में, हम लोग उसमें जाएंगे तब। देन हार्ड डिस्क मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है स्टोरेज के लिए, मेरे ख्याल से ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे आपको मिल जाता है यहाँ पे इनपुट डिवाइसेस। ओके, कंप्यूटर में दो टाइप की डिवाइसेस होती है, एक इनपुट डिवाइसेस और सॉरी तीन टाइप की डिवाइसेस होती है, इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस, दैन आउटपुट डिवाइसेस। तो फर्स्ट आपका आता है इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस को अगर आपको समझना है तो इसका मैं बहुत ही ईजी वे बताता हूँ कि जो भी चीज़ कंप्यूटर को हम दें वो क्या होता है कंप्यूटर के लिए इनपुट होता है, जो भी चीज़ हम कंप्यूटर को दें वो क्या होगा कंप्यूटर के लिए इनपुट होगा, और विद द हेल्प ऑफ मतलब जिसके सहायता से हम कंप्यूटर को दे वो क्या हो जाते हैं आपके इनपुट डिवाइसेस। ओके, अगर समझ लीजिए मैंने कंप्यूटर में पेन ड्राइव अटैच किया, तो पेन ड्राइव मैं अटैच कर रहा हूँ इट मीन्स मैं कंप्यूटर को कुछ दे ही रहा हूँ, तो वो क्या होगा आपका इनपुट हो जाएगा। अगर मैंने कीबोर्ड से कोई कीज़ या फिर बटन मैंने प्रेस किया तो क्या हो जाएगा वो बटन प्रेस होगा इट मीन्स मैं कुछ दे रहा हूँ कंप्यूटर को, इसका मतलब क्या होगा इनपुट होगा। ओके, तो इनपुट डिवाइसेस को समझना आपको ईजी हो जाएगा अगर आप समझे कि कंप्यूटर को जो भी चीज़ हम दें वो क्या होती है आपके इनपुट डिवाइसेस होती है, और जिसके थ्रू दे वो इनपुट डिवाइस, और जो भी चीज़ दे वो इनपुट होगा। ओके, जो भी चीज़ दे वो इनपुट और जिसके थ्रू दे वो इनपुट डिवाइस हो जाएगी। तो फर्स्ट इसमें आप देख पा रहे होंगे कीबोर्ड आपको यहाँ पे मिल जा रहा है। ओके, कीबोर्ड ये आपका समझ लीजिए बेसिक इनपुट डिवाइस है कंप्यूटर का, कीबोर्ड और माउस। ओके, तो यहाँ पे अलग अलग टाइप के आपको कीबोर्ड मिल जाते हैं, यूएसबी कीबोर्ड इट मीन्स आप जो बेसिकली यूज़ करते हैं कंप्यूटर में कीबोर्ड उस प्रकार के कीबोर्ड आप देख सकते हैं। देन आप ब्लूटूथ वायरलेस जो कीबोर्ड होते हैं वो भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। क्वार्टी कीपैड मतलब इजीली जिससे हम टाइप कर सके, जिसमें अलग अलग अल्फ़ाबेट्स अलग अलग कीज़ पे दिया हो उसको हम लोग क्वार्टी कीबोर्ड कहते हैं। ओके, तो क्वार्टी कीबोर्ड को भी अलग सेक्शंस में डिवाइड किया गया है कि जो कीबोर्ड्स हैं उनको अलग अलग टाइप में डिवाइड किया गया है। तो कीबोर्ड्स में जो बटन है या फिर जो भी उन पे अलग अलग बटन दिए हुए उनको किस किस सेक्शन में रखा हुआ है आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके,
तो इसमें देखिए फर्स्ट आपको मिल जाता है टाइपिंग या फिर अल्फा न्यूमेरिकल कीज। तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ अल्फा न्यूमेरिकल कीज, मतलब ये देखिए येल्लो जो आपको पार्ट दिखाई पड़ रहे हैं, ये येल्लो कलर में जो भी पार्ट आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है पीले कलर में, वो क्या आपके टाइपिंग कीज में काउंट होते हैं। किस में काउंट होते हैं? आपके टाइपिंग कीज में। ये जितना भी सेक्शन आपका आ रहा है एस्केप से लेकर आपका F1 F12 से लेकर बैक स्पेस तक, मतलब एस्केप से लेकर आपके बैक स्पेस की तक, और यहाँ से शिफ्ट से लेकर दोबारा जो शिफ्ट आपका आता है वहाँ तक, और यहाँ स्पेस बार भी इसमें इंक्लूडेड है, तो ये सब आपके टाइपिंग कीज में काउंट हो गए। ओके, टाइपिंग कीज में ही काउंट होता है। तो यहाँ पे देखिए टाइपिंग कीज में क्या क्या दिया हुआ है आपको यहाँ पे मिल जा रहा है। ओके, अल्ट कंट्रोल विंडोज लोगो पिक्चर्स, ओके, ये सब क्या आपके किस में आ जाते हैं? आपके टाइपिंग कीज में आ जाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं आपके फंक्शन की। फंक्शन कीज देखिए मैंने यहाँ पे कलर वाइज डिवाइड कर रखा हुआ है। टाइपिंग कीज आपको जो दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे देखिए टाइपिंग कीज, सॉरी मैंने नीचे वाले कुछ ऑप्शन बता दिए कंट्रोल कीज वाले। तो टाइपिंग कीज में जो भी आपके अल्फा न्यूमेरिकल्स, मतलब उसमें क्या होगा, लेटर्स होगा, नंबर्स होगा। पंक्चुएशन कीज इट मीन्स व्हाट, कि आपको कॉमा लगाना है, डबल इंडेड कॉमा यूज़ करना है, फुल स्टॉप यूज़ करना है, वो सब किस में आ जाएंगे आपके पंक्चुएशन कीज में। सिंबल्स हो गए, फॉर एग्जांपल आपको एट द रेट का सिंबल देना है, डॉलर का सिंबल देना है, वो सब भी आपके किस में आ जाएंगे टाइपिंग कीज। यहाँ पे येलो कलर में दिया हुआ है, आगे मैंने स्लाइड में देखिए यहाँ पे येलो कलर का है, तो मैंने इस टेक्स्ट को भी यहाँ पे येलो कलर में कन्वर्ट कर दिया है, तो जिससे आपको समझने में आसानी हो। देन नेक्स्ट आपका रेड कलर के कीज कौन कौन से हैं? कंट्रोल कीज। ओके, कंट्रोल कीज को रेड कलर में रखा गया है, तो यहाँ पे देखिए आपको जो कीज दिखाई दे रहे हैं वो आपके क्या है, कंट्रोल कीज आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं। ओके, कंट्रोल कीज यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो कंट्रोल कीज में आपको क्या क्या मिल जा रहा है यहाँ पे, कंट्रोल में अल्ट मिलता है, ओके, देन कंट्रोल मिलता है, देन शिफ्ट आपके कीज जो होते हैं वो मिल जाते हैं, विंडोज़ का लोगो, जो कंप्यूटर में विंडोज़ का लोगो होता है वो आपके विंडोज़ की की जिसको हम बोलते हैं वो भी आपके कंट्रोल कीज में काउंट होती है। एस्केप का बटन भी आपका कंट्रोल कीज में ही आ जाता है। तो नेक्स्ट होता है आपके फंक्शन कीज। ओके, फंक्शन कीज क्या होते हैं? F1 से लेके F12 तक, ये जो यहाँ पे ऊपर दिखाई पड़ते हैं F1 से लेके F12 तक जो भी कीज आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं, दिखाई पड़ रहा है पर्पल कलर में जो शो हो रहा है आपको, वो क्या आपके फंक्शन कीज है। ये क्या आपके फंक्शन कीज है, इनको क्या कहते हैं हम लोग, फंक्शन कीज। ओके, F1 से स्टार्ट होते हैं और F12 पे एंड होते हैं, उनको क्या कहते हैं हम लोग, फंक्शन कीज कहते हैं। देन नेक्स्ट आपके नेविगेशनल कीज होते हैं। नेविगेशनल कीज इट मीन्स वॉट, जिससे हम लोग टेक्स्ट पे या फिर मॉनिटर स्क्रीन पे हम क्या करें, नेविगेट करें वन प्लेस टू अनदर प्लेस या फिर टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट, हम जहाँ से भी नेविगेट करते हैं तो वो बटन्स कौन से होते हैं, नेविगेशनल कीज। अगर मुझे टॉप जाना है तो ये टॉप है, बॉटम, लेफ्ट, राइट आपको यहाँ पे मिल जा रहा है, देन यहाँ पे होम वगैरह के बटन होते हैं, ओके, वो भी नेविगेशनल कीज में काउंट होते हैं। क्लियर। इनको मैंने ग्रीन मार्क करके रखा हुआ है, यहाँ पे देखिए आपको ग्रीन मार्क मिल रहा है। ओके, ये नेविगेशनल कीज होंगे। देन न्यूमेरिकल की पैड्स आपको मिल जाता है। न्यूमेरिकल की पैड्स क्या होता है, जैसे कि आपको यहाँ पे राइट हैंड साइड में जो कॉर्नर में आपको दिखाई पड़ रहा है, ये क्या आपके न्यूमेरिकल की पैड्स है। न्यूमेरिकल की पैड्स का मतलब क्या होता है, कि जिसमें आपके न्यूमेरिक्स हो, 1 2 3, 0 से लेकर 9 तक जो नंबर होते हैं, प्लस का साइन होता है, माइनस का साइन होता है, और अदर जो सिंबल्स होते हैं वो न्यूमेरिकल कीज में, और इनको हम लोग कैलकुलेटर कीज भी बोलते हैं। इनको क्या कहते हैं, कैलकुलेटर कीज भी कहते हैं। ओके, तो ये आपके कुछ कीबोर्ड के बारे में, फंक्शन कीबोर्ड के बारे में था। आपको कंप्यूटर यूज़ करना है तो उसके पहले आपको कंप्यूटर कीबोर्ड के बारे में समझना होगा, इसीलिए मैंने ये चीज़ आपको यहाँ पे एक्सप्लेन की हुई है। कीबोर्ड एक बार आप समझ जाएंगे तो बाकी कीज कहाँ पे कैसे यूज़ करने हैं आपको पता चल जाएंगे। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए कुछ जो कंट्रोल कीज हैं या फिर जो कंट्रोल कीज में दिए हुए थे, हम यहाँ पे देख सकते हैं जो शिफ्ट है, तो शिफ्ट का यूज़ क्यों किया जाता है, तो शिफ्ट हम लोग क्या करते हैं, ये एक्चुअल में कॉम्बिनेशन की में काउंट होते हैं। किस में काउंट होते हैं, ये आपके कॉम्बिनेशन की में। अगर जैसे मैं शिफ्ट ए दबाता हूँ तो अगर कोई लेटर कैपिटल लेटर अगर मुझे चाहिए तो मैं वहाँ पे क्या करूँगा, शिफ्ट ए दबाऊँगा। ओके, नेक्स्ट आपका कैप्स लॉक आ जाता है। कैप्स लॉक क्या होता है, जैसे कि अगर हम बेसिकली अगर कंप्यूटर न्यूली हो या फिर हमने उसमें कुछ चेंजेस ना किया हो, तो मोस्ट ऑफ जो अल्फ़ाबेट्स हम लोग टाइप करते हैं वो स्मॉल लेटर में ही टाइप होता है। अगर मैं कैप्स लॉक ऑन कर देता हूँ, कैप्स लॉक ऑन करने के बाद अगर मैं कोई चीज़ किसी चीज़ को टाइप करता हूँ तो वो चीज़ क्या होती है, कैपिटल लेटर में टाइप होती है। द नेक्स्ट आपको टैप मिलता है। टैप क्या होता है, टैप कर्सर पॉइंट को मूव करने का काम करता है। कर्सर पॉइंट मतलब अगर जैसे मैं किसी एक ब्लॉक में हूँ, मुझे दूसरे ब्लॉक में जंप करना है, तो हम लोग वहाँ पे टैप का यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट आपको यहाँ पे इंटर, अगर जैसे मैं कोई चीज़ टाइप कर रहा हूँ, अगर मुझे लाइन चेंज करनी है तो वहाँ पे मैं इंटर का यूज़ करता हूँ। देन अगर मुझे किसी चीज़ को ओके करना है या फिर सेव करना है या फिर यस करना है तो भी हम लोग इंटर बटन का यूज़ करते हैं। स्पेस बार स्पेसिंग के लिए यूज़ में आता है। बैक स्पेस, लेफ्ट साइड से अगर किसी टेक्स्ट को आपको डिलीट करना है
आप बैकस्पेस का यूज करते हैं। देन आप यहाँ पे आपको नेविगेशनल कीज के बारे में बताया, लेफ्ट एरो राइट एरो मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। होम क्या करता है, आपको कर्सर पॉइंट जो भी आपके कंप्यूटर का कर्सर पॉइंट होता है उसके फर्स्ट में आपको ले आता है। देन यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन भी करके बता दे रहा हूँ कि होम क्या करता है आपको कर्सर पॉइंट। फॉर एग्जांपल आपका कीज़ यहाँ पे है, फॉर एग्जांपल आपका कीज़ यहाँ पे, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा इसको चेंज करता हूँ, इसका मैं जो फुल स्क्रीन मोड है इसको मैं हटा देता हूँ, तो इससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया कि शिफ्ट क्या करता है कैपिटल, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद जैसे अगर मुझे टाइप करना है कोई चीज़, नॉर्मली अगर बेसिकली मैं टाइप कर रहा हूँ तो स्मॉल लेटर में टाइप हो रहा है, और शिफ्ट होल्ड करके मैं उसको टाइप करूँ तो कैपिटल लेटर में आ जाता है। ओके, यानी कैप्स लॉक का भी सेम है, जैसे मैंने यहाँ पे अभी कैप्स ऑफ रखा हुआ है तो मैं यहाँ पे जो भी चीज़ टाइप कर रहा हूँ वो स्मॉल में आ रही है, जैसे कैप्स ऑन करता हूँ वो क्या हो जा रही है, कैपिटल में कन्वर्ट हो जा रही है। ओके, कैपिटल में कन्वर्ट हो जा रही है। टैब क्या करता है, जैसे मैं इस सेक्शन में या फिर इस कॉलम में हूँ और मुझे नेक्स्ट कॉलम में जाना है, तो मैं एरो बटन से भी उसको मूव कर सकता हूँ, और मुझे डायरेक्ट नेक्स्ट में जाना है तो टैब बटन दबाएंगे डायरेक्टली, तो आपने उसने क्या किया कॉलम चेंज कर दिया, मतलब मैं पहले इस कॉलम में था, की नेम वाले कॉलम में था, नेक्स्ट तो मैंने टैब जैसे दबाया मैं हाउ टू यूज़ इट कॉलम में चला आया। क्लियर है, ये आपके यहाँ पे टैब के यूज़ है। तो नेक्स्ट आपको यहाँ पे मिल जा रहा है आपको इंटर, मैंने जैसे बताया था अगर आपको लाइन चेंज करनी है तो जस्ट आपने इंटर प्रेस करना है, वो लाइन चेंज करके नीचे साइड में ले आता है। ओके, अगर जैसे आपको ब्रेक करना है किसी लाइन को तो भी आप वहाँ पे इंटर यूज़ कर सकते हैं, तो भी वो चीज़ ब्रेक हो जाती है। स्पेस बार आपको मैं यहाँ पे स्पेस करके दिखा देता हूँ, स्पेस बार देखिए मैं जैसे दबा रहा हूँ स्पेसिंग आ रही है। ओके, बैक स्पेस से रिटर्न में अपने पोजिशन पर भी आ सकता हूँ। ओके, बैक स्पेस क्या करता है कट करने का भी काम करता है, बैक स्पेस क्या करता है कट करने का भी काम करता है, जैसे मैंने यहाँ पे बैक स्पेस दबाया तो लेफ्ट, याद रखिएगा बैक स्पेस हमेशा लेफ्ट साइड से किसी चीज़ को कट करता है, लेफ्ट साइड से क्या करता है किसी भी चीज़ को कट करता है। ओके, तो मैंने यहाँ पे इसको फिर से सुधार दिया है। देन एरो की, जैसे अगर मुझे टॉप में जाना है तो टॉप एरो की, ओके दिखाई पड़ रहा है मेरा कर्सर पॉइंट, यहाँ पे ध्यान दीजिए जो कर्सर पॉइंट है ये टॉप में मूव कर रहा है, बॉटम बटन दबाएंगे तो बॉटम में जा रहा है ये। ओके, नेक्स्ट मेरा होम, होम बटन क्या करता है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लास्ट में हूँ, इस लाइन में लास्ट में हूँ, जैसे मैं अपने कीबोर्ड से होम बटन को दबाता हूँ उस लाइन के फर्स्ट में आ जाता हूँ, मतलब जो भी लाइन होगी उसके फर्स्ट में आ जाता हूँ। दिखाई पड़ रहा है मेरा लाइन अभी यहाँ पे, समझ लीजिए मैंने यहाँ कहीं रखा हुआ है, मेरा जो कर्सर पॉइंट है मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, होम बटन दबाऊंगा तुरंत मैं उस लाइन के फर्स्ट में आ जाऊंगा। सेम इंड उसका अपोजिट काम करता है, अगर मैं जैसे यहाँ कहीं पे हूँ इंड बटन मैंने दबाया तो लाइन के एंड में, याद रखिए लाइन के एंड में, लाइन के एंड में लेके आता है। पेज अप क्या करता है, जैसे अगर मैं नीचे हूँ और पेज अप बटन मैंने दबा दिया हुआ है तो पेज के सबसे अप में, मतलब जो ऊपर का पेज होगा वहाँ पे पेज डाउन, पेज के नीचे बटन में मुझे ले आता है। ओके, बॉटम में लेके आता है। तो नेक्स्ट आपका यहाँ पे दिखाई पड़ा डिलीट बटन, डिलीट बटन किसी भी चीज़ को राइट हैंड साइड से डिलीट करता है, याद रखिएगा मैंने आपको बैक स्पेस में बताया था कि बैक स्पेस बटन हमेशा लेफ्ट हैंड साइड से और डिलीट बटन हमेशा राइट हैंड साइड से। जैसे समझ लीजिए कि मैं यहाँ से इसको डिलीट करता हूँ, द को डिलीट करता हूँ, जब मैं यहाँ से बैक स्पेस से डिलीट कर रहा हूँ तो मेरा कर्सर पॉइंट किस तरह भाग रहा है वो देखिए, मेरा कर्सर पॉइंट कहाँ जा रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में जा रहा है। बट अगर वही चीज़ मैं यहाँ पे डिलीट के थ्रू करूँ तो क्या होगा, मेरा कर्सर पॉइंट हमेशा राइट हैंड साइड की तरफ भागेगा, कहाँ भागेगा, राइट हैंड साइड की, जैसे देख रहे हैं आप राइट हैंड साइड में ही है वो। ओके, इंसर्ट मतलब किसी डेटा को इंसर्ट करना हो तो हम लोग वहाँ पे इंसर्ट बटन दबाते हैं, है ना, आपका कंट्रोल प्लस होम करेंगे तो हम लोग क्या हो जाते हैं टॉप डॉक्यूमेंट के टॉप में, और कंट्रोल प्लस एंड करेंगे तो डॉक्यूमेंट के बॉटम में। सेम आप उसको पेज अप पेज डाउन से भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने जैसे आपको लास्ट में बताया था कि कुछ कैलकुलेटर कीज़ होते हैं, तो कैलकुलेटर कीज़ भी आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं, ये देखिए आपके नम लॉक अगर आप ऑफ ऑन रखेंगे तो उसके बाद अगर आप किसी भी कीज़ को दबाते हैं तो वहाँ पे वो नंबर नहीं टाइप होता है, वो क्या होता है लॉक हो जाता है। क्लियर है, तो आपको ध्यान रखना है कि आपका नम लॉक ऑफ ही रहे। ओके, तो नेक्स्ट आपको यहाँ पे कुछ मिल जा रहे हैं एक्स्ट्रा कीज़, आपको मिल जा रहा है अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आपके प्रिंट स्क्रीन के कुछ कीज़ होते हैं, देन स्क्रोल लॉक का कीज़ होता है, और पुश और ब्रेक का आपका कीज़ होता है। तो ये अलग अलग कीज़ हैं। प्रिंट स्क्रीन क्या करता है, आपके स्क्रीन के प्रिंट निकालने की, फॉर एग्जांपल आप किसी स्क्रीन पे काम कर रहे हैं आपको तुरंत उसका स्क्रीनशॉट कहीं भेजना है तो आप क्या करेंगे प्रिंट स्क्रीन बटन दबाएंगे। प्रिंट स्क्रीन बटन दबाने के बाद आप जिस भी सॉफ्टवेयर में हैं वहाँ पे कंट्रोल वी या फिर पेस्ट करेंगे तो डायरेक्टली वो क्या हो जाएगा
वो स्क्रीन आपको वहाँ पे विजिबल हो जाएगी। क्लियर है, ये प्रिंट स्क्रीन है। दोनों उसी तरीके से स्क्रोल लॉक, स्क्रोल को लॉक करने के लिए हम स्क्रोल लॉक यूज़ करते हैं, देन ब्रेक करने के लिए भी हमें पुश ब्रेक यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग का यहाँ पे इनपुट डिवाइस में दूसरा डिवाइस आ जाता है माउस। ओके, माउस से सभी लोग, आप सभी लोग जानते हैं कि माउस क्या है। माउस को हम लोग यूज़ करते हैं, इसको माउस को हम लोग दूसरे वर्ड में पॉइंटिंग डिवाइस भी कह सकते हैं। माउस को क्या कहते हैं हम लोग, पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। ओके, ये पॉइंट करने का काम भी करता है। जैसे आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये जो उसका कर्सर पॉइंट या फिर जो आई बीम मुझे दिखाई दे रहा है, ये भी माउस के थ्रू हम लोग को विजिबल और जहाँ चाहिए वहाँ पे मैं इसको ले जा सकता हूँ। देखिए ये जो व्हाइट कलर का पार्ट आपको दिखाई पड़ रहा है, ये आपका माउस पॉइंटर हम लोग बोलते हैं। इसको क्या कहते हैं, माउस पॉइंटर कहते हैं। क्लियर है, और ये आपके आई बीम है। यहाँ पे देखिए आई टाइप में दिखाई दे रहा है, मतलब आई बीम। ये आपका कर्सर पॉइंट जो ब्लिंक हो रहा है, इसको हम लोग कर्सर पॉइंट कहते हैं। ओके, ये किसके पार्ट है आपके, माउस के। माउस की वजह से ये सब चीज़ें आपको विजिबल हो रही हैं। ओके, यहाँ पे अलग अलग टाइप के आपको माउस मिल रहे हैं। ये देखिए जो ये माउस है, ये ट्रैक बॉल माउस है। यहाँ पे देखिए इसके ऊपर बॉल, ट्रैक बॉल होता है जिसको हम लोग स्क्रोल करते हैं तो माउस का मूवमेंट होता है। और नेक्स्ट आपके ओल्ड टाइप में अगर हम लोग देखने जाएंगे तो मैकेनिकल माउस, यहाँ पे भी ट्रैक बॉल टाइप में ही, बट ये जो ट्रैक बॉल है वो मेटल का या फिर इसके इनसाइडेड होता है। तो जब नीचे हम लोग माउस को मूव करते हैं तो बॉल के रोटेशन पे हम लोग का पॉइंटर मूव होता है। लेकिन आज के डेट में जो हम लोग माउस यूज़ करते हैं उनको क्या कहते हैं हम लोग, ऑप्टिकल माउस कहते हैं। आज के डेट में हम लोग जो माउस यूज़ करते हैं उसको क्या कहते हैं हम लोग, ऑप्टिकल माउस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम लोग, ऑप्टिकल माउस। जिसके ऑप्टिकल माउस क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर लाइट जलती है। नीचे अगर लाइट जले, ऑप्टिक्स, अगर आपने थोड़ा साइंस अगर आप जानते होंगे तो ऑप्टिक्स का मतलब होता है लाइट। ओके, ऑप्टिकल माउस मतलब क्या होता है कि जिस माउस के नीचे लाइट जले उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑप्टिकल माउस कहते हैं। ओके, नेक्स्ट आपका ब्लूटूथ माउस आ गया, वायरलेस हम लोग बोलते हैं। इसमें वायर नहीं होता, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इसमें वायर नहीं है, ये ब्लूटूथ कनेक्टर है। आप इसको सीपीयू में लगाएंगे, ये आपका माउस वर्क करना स्टार्ट कर देगा। अब नेक्स्ट आपका इसमें इनपुट डिवाइस में आपको मिल जाता है स्कैनर। स्कैनर क्या काम करते हैं, स्कैनर का मेन काम होता है स्कैनिंग करना। समझ लीजिए किसी हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करना होगा तो हम लोग वहाँ पे स्कैनर का यूज़ करते हैं। हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी कन्वर्ट करना होगा तो हम लोग वहाँ पे स्कैनर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखिए अलग अलग टाइप के स्कैनर है, फ्लैट बेड स्कैनर, ओके, जिसमें हम लोग डॉक्यूमेंट्स वगैरह स्कैन करते हैं। देन आपका यहाँ पे हैंड हेल्ड स्कैनर, मतलब हाथ में पकड़ के हम लोग उसको स्कैन कर सकते हैं। देन शीट फेड स्कैनर आपको मिल जाता है, देन ड्रम स्कैनर आपको यहाँ पे मिल जा रहे हैं। ओके, इनको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बस आपको इतना याद रखना है कि स्कैनिंग के यूज़ में आते हैं, स्कैनिंग करने के यूज़ में आते हैं। ओके, नेक्स्ट आपका इनपुट डिवाइस मिल जा रहा है आपको यहाँ पे जॉयस्टिक। जॉयस्टिक जो हम लोग गेम वगैरह खेलते हैं उसके लिए यूज़ करते हैं, गेमिंग के लिए हम लोग जॉयस्टिक का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आपका लाइट पेन, आप देख पा रहे होंगे ये कहीं ना कहीं से कनेक्ट है, मतलब सीपीयू से कनेक्ट है। देन आप इसको ऑपरेट करें तो ऐसे डिवाइसेस को हम लोग क्या कहते हैं, लाइट पेन डिवाइस करते हैं। और ये भी आपके इनपुट कैटेगरी में आता है, कंप्यूटर हार्डवेयर के इनपुट कैटेगरी में आता है। ओके, नेक्स्ट आपका यहाँ मिल जा रहा है डिजिटाइजर। डिजिटाइजर मोस्ट ऑफ जो ग्राफिक डिज़ाइनर्स होते हैं या फिर जो डिज़ाइनिंग का वर्क करते हैं उनको फ्री हैंड डिज़ाइनिंग करना होता है तो वो इस डिवाइस का यूज़ करते हैं। इसमें पेन लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके थ्रू आप जो नीचे स्क्रीन दिखाई दे रही है वहाँ पे जैसा ड्रॉ करेंगे वैसे आपके स्क्रीन पे दिखाई पड़ेगा। फिर नेक्स्ट आपका माइक्रोफोन, ये भी इनपुट डिवाइस में काउंट होता है। माइक्रोफोन भी इनपुट डिवाइस में ही काउंट होता है। जैसे कि मैं अभी आपको बोल रहा हूँ और जो चीज़ें मेरी रिकॉर्ड हो रही है किसके थ्रू रिकॉर्ड हो रही है, माइक्रोफोन के थ्रू रिकॉर्ड हो रही है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे आ जाता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ओके, तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है MICR, ये मोस्ट ऑफ जो चेक वगैरह होते हैं उनमें जो कोड होते हैं उनको रीड करने के लिए बनाया जाता है। चेक के अंदर जो कोड होते हैं उनको रीड करने के लिए इस स्कैनर का यूज़ किया जाता है। फिर नेक्स्ट आपका ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, जैसे कि अगर कोई चीज़ बुक में दी हुई है अगर मुझे उसको बिना टाइप करते किए ही मुझे उसे वर्ड या किसी अदर डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में चेंज करना है तो वहाँ पर हम लोग किस डिवाइस का यूज़ करते हैं, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर डिवाइस का यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट आपको यहाँ पे मिल जा रहा है डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा इट मीन्स आप जो भी कैमरा यूज़ करते हैं वो कैमरा आपका क्या होता है, डिजिटल कैमरा। उसमें आप किसी भी चीज़ को कैप्चर करते हैं तो वो चीज़ आती है तो आप उसको कंप्यूटर में ले आकर एडिट वगैरह कर सकते हैं। टच पैड, जैसे आपने लैपटॉप वगैरह में देखा होगा ये टच पैड भी आपके इनपुट डिवाइस में। वेब कैमरा, ये भी आपके इनपुट डिवाइस में ही काउंट होता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे दिया हुआ है बायोमेट्रिक डिवाइसेस। अगर आप बैंक वगैरह में कहीं गए होंगे, अगर आपने आधार अपडेट करवाया होगा तो वहाँ पे आपको बायोमेट्रिक डिवाइसेस देखने मिली होंगे। ओके, तो आपको यहाँ पे मिल जा रहा है वेब कैमरा। ओके, वेब कैमरा भी आपको यहाँ पे शो हो रहा है, ये वेब कैमरा भी आपका एक इनपुट डिवाइस है। तो ये कुछ डिवाइसेस थे
जो इनपुट डिवाइसेस का वर्क करते हैं या फिर इनपुट डिवाइसेस का काम करती हैं। आगे हम लोग जो वीडियो में देखेंगे उसमें क्या होगा, आपके आउटपुट डिवाइसेस कैसे वर्क करते हैं उसके बारे में हम लोग इन्फॉर्मेशन लेंगे। आशा करता हूँ कि ये जो वीडियो मैंने आप बनाई है आउटपुट इनपुट डिवाइसेस के ऊपर और कीबोर्ड के बारे में जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन दिया या फिर कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दिया वो आप सभी को समझ में आई होंगे। अगर कोई डाउट है तो आप दिए हुए नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं, ये नंबर यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, इस नंबर पर आप फ़ोन कर सकते हैं। ध्यान रखिए कि एमएस कंप्यूटर एजुकेशन का अभी ऑफर चल रहा है, मैंने कल के वीडियो में भी आपको बताया, और आप कोई कोर्स लेते हैं तो उसमें आपको 20% का डिस्काउंट दिया जाएगा। आप इस नंबर पर कॉल करके उन कोर्सेज की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। एमएस कंप्यूटर एजुकेशन सिर्फ ट्रिपल सी में ही डील नहीं करता, एमएस कंप्यूटर एजुकेशन के पास अलग अलग प्राइवेट कोर्सेज भी हैं, डिज़ाइनिंग से रिलेटेड बहुत सारे कोर्सेज हैं जिसमें आप अपना करियर स्कोप बना सकते हैं। तो जैसा भी आपको ठीक लगे वैसे आप कर सकते हैं। जिस भी कोर्स की आपको इंक्वायरी चाहिए वो कोर्स की इंक्वायरी आप दिए हुए नंबर पर कॉल करके ले सकते हैं, या फिर गूगल पर आपको डायरेक्टली सर्च करना है एमएस कंप्यूटर एजुकेशन। अभी इन्होंने अपना ऑनलाइन एग्जाम सिस्टम भी बना लिया, अगर आपको घर बैठे ऑनलाइन एग्ज़ाम देना है तो आप ऑनलाइन एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। यहाँ पर आप इनकी स्क्रीन देख सकते हैं, आपको सिर्फ गूगल में exam.msc.edu.in डालना है, वहाँ पर आपको एक पेज डिस्प्ले होगा, पेज डिस्प्ले में आपको लॉगिन का सेक्शन दिखेगा। बट लेकिन ध्यान रखिए लॉगिन आप तभी कर सकते हैं जब आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, तभी आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड इशू होगा। इस लॉगिन आईडी और पासवर्ड के थ्रू क्या होगा कि आपसे जो एग्ज़ाम है उसे घर बैठे भी दे सकते हैं और आपका सर्टिफिकेशन आपको मिलेगा। बट ध्यान देना है कि आपको उसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, तो रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आपको फर्स्ट कॉन्टैक्ट करना है, यहाँ पर जो कॉन्टैक्ट दिया हुआ उस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और दूसरी चीज़, जो वीडियो यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो वीडियो आपको ध्यान से देखनी है, समझनी है, उसको बार बार रिवाइज करके देखना है, बार बार रिप्ले करके देखना है। आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो बार बार रिप्ले कर सकते हैं। अगर आपको कोई इशू और कोई प्रॉब्लम है तो आप दिए हुए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। ध्यान रखिए कॉलिंग का समय सुबह 9 बजे से देखिए रात के 9 बजे तक रहेगा, उसके बाद कृपया कॉल ना कीजिए। इसी के साथ मैं अपना लेक्चर यहाँ पर एंड करता हूँ। और दूसरी चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है कि आपको घर से बाहर नहीं निकलना है क्योंकि हमें इस बीमारी से लड़ना है। तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो यहाँ पे कंप्लीट करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुँचाइए, जिन्हें भी रिक्वायर्ड है उन्हें ये चीज़ें पहुँचाइए। थैंक यू।